नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपशिखा कोचिंग सेंटर सितारगंज। और मैं हूँ पीसी पंत। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक मॉडल पेपर। यहाँ पे 2018 मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। ये जो पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारे संस्थान में आज लिया गया, जो मासिक परीक्षा के अंतर्गत लिया जाता है। और जिन मित्रों का, जिन दोस्तों का 28 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस सेट है। कृपया इसको पूरा देखें अंत तक। और मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक जितने भी क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और उनके आंसर भी बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है, इस बार हमने थोड़ा ठीक ठाक किया हुआ है। यानी हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और 100 क्वेश्चन हैं टोटल। जो हमारे कोचिंग में अभी 100 का जो ये पेपर था, इसमें से 4 बच्चों के ऐसे मार्क्स आए हैं, किसी के 76, किसी के हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो 82 हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए हिंदी का है। हिंदी राजभाषा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? दोस्तों यहाँ पर हिंदी राजभाषा के संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा कि हिंदी को राजभाषा कब दिया गया। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949, और तीसरा ऑप्शन है 1967 यानी 1967, और चौथा ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है 1963 ईस्वी। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है, 1967, जिसमें कि हिंदी राजभाषा संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मगही भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है? इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है, तो इस प्रकार से जो मगही को स्थान दिया गया है, वह स्थान दिया गया है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा सी। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन 6 मई को पूछा गया था कि जौनसारी को किस भाग में रखा गया। दोस्तों वो हिंदी का भाग नहीं था, वो एक अलग क्वेश्चन था। उसमें ये पूछा गया था कि पूरा पश्चिम, तो वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी किस हिंदी के अंतर्गत, जिसमें 5 भागों में बांटा जाता है, तो इसका मगही का आंसर था बिहारी। तो दोस्तों इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। अगर जिसका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो कृपया उसको पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा स्वर एक वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो वृत्तमुखी मीन्स होता है कि जिस स्वर को बोलने में मुंह जो होठों का आकार हो वो गोल हो जाए, वृत्त की तरह हो जाए। देखिए ऊ ये सभी वृत्तमुखी हैं, लेकिन अ जो है वो वृत्तमुखी नहीं है, आवृत्तमुखी होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सघोष व्यंजन। देखिए दोस्तों, सघोष व्यंजन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संघर्षी व्यंजन यहाँ पर दिए गए हैं, श्य 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 संघर्षी, जिनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इनमें से श्य 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 3 जो हैं वो अघोष हैं, और जो ह है वह सघोष व्यंजन है, और साथ ही साथ महाप्राण भी है। दोस्तों जिन्हें अगर नहीं पता हो, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अघोष और सघोष में यह अंतर है कि जिस स्वर या व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, कंपन मीन्स क्या है कि एक तरीके से वाइब्रेशन हो, तो वो वहाँ पे जो है सघोष होता है या घोष व्यंजन होता है, और जहाँ पर कोई भी कंपन नहीं होता है वहाँ होता है अघोष। पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने है, तो चौथे का आंसर था डी। पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने है, तेजोमय का संधि विच्छेद होगा, तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों ओ की मात्रा आई है तेजोमय, ओ की मात्रा या तो फिर गुण संधि में आती है या फिर कहाँ आती है, विसर्ग संधि में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, तेजह धन मय। छठा क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, छठे का बी सही होगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, खगेश, खगेश में कौन सा समास होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर जिसको समास में, कई बार होता क्या है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, किसी बुक में है ही नहीं, तो दोस्तों वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, संधि विच्छेद का सहारा लेना चाहिए। खगेश एक ऐसा शब्द है जहाँ एक ही मात्रा, जैसे रमा धन ईश रमेश होता है, ऐसे ही खग धन ईश खगेश होगा।
तो यानी खग मीन्स पक्षी होता है, बिहग मीन्स भी पक्षी होता है, खग धन ईश यानी पक्षियों में जो देवता है और वो कौन होता है, गरुड़। और यानी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, एक वचन होता है, तो यहाँ पर होगा बहुव्रीही समास। आठवां क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द होगा बी, वर्षा, क्योंकि हाथी भी नहीं होता है, बारात भी नहीं होता है, आंसू भी नहीं होता है, ठीक है, अक्षु जो होता अगर तो तत्सम होता, तो इसका आंसर बी सही होगा। नौवां क्वेश्चन है रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, कौन सी संज्ञा होगी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, आपके सामने चार ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रामचरितमानस एक सिंगल किसी बुक का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा बी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राम ने दूध पिया, यहाँ पर कौन सा वाक्य वाच्य है, वाच्य आपको पता ही है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा, देखिए राम जो है वो करता है, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पर होगा कृतवाच्य, सी ऑप्शन सही होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है मनुष्य पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इस वाक्य में है क्या है कि मनुष्य पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या है। पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा है विस्मय बोधक है ये, तीसरा है कि समुच्चय बोधक है, और चौथा क्या है, संबंध बोधक। देखिए दोस्तों क्रिया विशेषण तो यहाँ हो नहीं सकता, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है वो क्रिया विशेषण होता है, विस्मय का भी यहाँ पर कहीं उल्लेख नहीं है, समुच्चय बोधक होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, कंजेक्शन का काम करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर संबंध बोधक होगा। कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य का पानी के साथ संबंध बताया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा विशेषण उपवाक्य, यानी बता रहा है कि वो चित्र किसका बनाया हुआ है, हुसैन का बनाया हुआ, विशेषण उपवाक्य इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके बुकों के द्वारा ही बनाए गए क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन लाए गए हों, क्योंकि हमने इसीलिए इस तर्ज पर बनाया है कि उत्तराखंड हिंदी और GS यानी लूसेंट की बुक से भी अक्सर क्वेश्चन GS के बनाए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को, वो अपनी तैयारी को परख सकें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 13वां क्वेश्चन, किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहलाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो शब्द शक्ति होती है वो तीन प्रकार की होती है, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जो प्रथम शक्ति होती है वो होती है अमिधा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यदि मैं बोलूँ कि घोड़ा खड़ा है, तो मैं इस वाक्य को सीधे सीधे बोल रहा हूँ और सुनने वाला समझ जाएगा, तो इसको बोला जाता है अमिधा। और अगर इसी को मैं किसी मुहावरे के द्वारा बोल दूँ, जैसे 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक लक्षणा होगा। और अमिधा और लक्षणा जहाँ पर फेल हो जाती हैं, तीसरा अर्थ निकाला जाता है, उसे व्यंजना कहते हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी समय से आया नहीं है, हमारा सिलेबस का एक पार्ट है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि कृपया इसे पढ़कर जाएं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन जो है, मुख सा चंद है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। देखिए दोस्तों अगर बोलता कि चंद्र जैसा मुख है तब उपमा अलंकार होगा, या फिर ऐसा होता कि चंद्र जैसे चरण कमल ऐसा कुछ होता तो रूपक होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उपमेय उपमान की तुलना नहीं की गई है, बल्कि उपमान को उपमेय बताया गया है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अधिकतर कई लोगों का ये गलत था ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट पेज जो है आपके सामने 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन आपके सामने आदिकाल से है, विजयपाल रासो के लेखक कौन है, विजयपाल रासो के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों विजयपाल रासो के जो लेखक हैं वो है नल सिंह भाट, डी ऑप्शन सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की रचना कब की गई। अष्टछाप की रचना दोस्तों ये 1565 में की गई, जो वल्लभाचार्य थे उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ उन्होंने की थी, और आपको पता ही है अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है, 8 है। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, 8 कवियों को, पहले आपको जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने पुष्टि मार्ग भी चलाया था, उनके राइटरों के नाम याद होने चाहिए, उनके उसमें कौन कौन से लेखक थे। देखिए दोस्तों उसमें सबसे याद है कि सूरदास सबसे महान लेखक माने जाते हैं उस समय के भक्ति काल के, तो सूरदास थे पहले। तो उसके बाद कैसे याद करना है कि जैसे सूरदास जी ने
क्या लिखा, सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की भक्ति की, तो दूसरे हो गए कृष्णदास। जब उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति कर दी तो फाइनली उन्होंने क्या बोला कि एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, फाइनली उन्होंने कहा कि अब भाई अब मैं कुंभ नहाने जाऊँगा, तो कुंभ नहाने से हो गया कुंभन दास। और जब वो कुंभ नहा के आए तो उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई, तो परमानंद दास। चार तो ऐसे याद हो जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद अगले जो हैं वो आपको याद ही होना चाहिए, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, और अब एक ही बच गए, एक तो बचे कृष्णदास, नहीं चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, उसके बाद दो और बच जाते हैं, एक तो हमारे बचते हैं नंददास, और एक लास्ट हमारे जो बचते हैं वो बचते हैं चतुर्भुज दास। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आठ में से छः दास थे और दो स्वामी थे। इस तरीके से, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है वो है 17वां क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों हिंदी में छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया था, ये 1936 में था। आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र ने अध्यक्षता की थी इस संघ की। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, 20वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन, ए लड़की यह रचना किसकी है, तो दोस्तों ये रचना है कृष्णा शोभती की, और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनकी रचना एक जिंदगी नामा है और एक ए लड़की है, और आपको पता है उनके संपूर्ण साहित्य के लिए इस वर्ष उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो 53वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो हिंदी को मिला है, इस प्रकार से कुल 10 पुरस्कार हिंदी को मिल चुके हैं और 11 राइटर हैं, क्योंकि एक बार दो लोगों को मिला है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि किसी छात्र को अगर वो आता हो तो वो नीचे कमेंट करके मुझे आंसर देंगे कृपया, और आपके आंसर का मैं इंतज़ार करूँगा। मेरा ये प्रश्न है, कोई भी हो आप इसको आंसर कर सकते हैं, मेरा ये प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पे हर बार क्वेश्चन आता है, प्रश्न यह है कि अब तक हिंदी की कुल कितनी रचनाओं को, अब तक हिंदी की कुल कितनी रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ये प्रश्न है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, हंस पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु जी थे, जयशंकर प्रसाद थे, मुंशी प्रेमचंद थे, या फिर महादेवी वर्मा थे, दोस्तों इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, किस, देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, अगला अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, किस शासक ने अपनी मुद्राओं पर एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख अंकित किए। कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी जो मुद्राएं जारी की उस पर एक तरफ संस्कृत में लिखा और दूसरी तरफ फारसी या अरबी में लिखा, वो कौन शासक था। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, और फिर सी ऑप्शन है महमूद बिन तुगलक, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। ऐसा इसलिए क्योंकि महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी नामक एक जो इतिहासकार था, वैसे उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था, लेकिन अलबरूनी उसके साथ भारत आया था और वह संस्कृत का एक महान ज्ञाता था, उसके परामर्श पर भी उन्होंने ये सब किया। और आपको पता होना चाहिए अलबरूनी ने किताबुल हिंद, भारत की खोज भी उस बुक को कहा जाता है, वैसे इंग्लिश में यही बुक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, 21 का बी। 22वां क्वेश्चन है, किस पेशवा शासक की देखरेख हेतु 12 भाई सभा स्थापित की गई। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है माधव नारायण द्वितीय। दोस्तों जब माधव नारायण द्वितीय थे वो अबोध बालक थे, बहुत छोटे थे, तो उनकी एक तरीके से रक्षा करने के लिए 12 भाई सभा बनाई गई, जिसमें दो लोग को अध्यक्ष बनाया गया था, हेड बनाया गया था, और उनमें से एक थे सिंधिया जी और एक थे नाना फडणवीस। कई बार क्वेश्चन भी आता है घुमा करके, चलिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ कि गढ़वाल के इतिहास में नाना फडणवीस किसे कहा जाता है। जो भी छात्र या कोई भी सज्जन इसका आंसर देना चाहें तो वो कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, तो दोस्तों ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसका आंसर है सी राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, सन 1857 के संग्राम में फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो फतेहपुर का जो नेतृत्व किया था वो किया था अजीमुल्ला खान ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डचों ने किस स्थान पर स्वर्ण सिक्कों की ढलाई की थी, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है सूरत, पुलिकट, गोवा, मुसलीपट्टनम, तो दोस्तों इसका आंसर है पुलिकट, पुलिकट एक बंदरगाह भी है।
26वां क्वेश्चन है, किसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया? दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन लेके आया था, जिसमें ये शर्त थी कि किसी भी दशा में हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा में अखबार न निकाला जाए, अगर अखबार निकाला जाएगा तो अंग्रेजी में ही निकाला जाएगा। इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। और ये कब आया था? ये 1778 में, यानी 1778 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने ये जारी किया था। और दोस्तों उसके बाद आपको पता होना चाहिए, सॉरी 1778 नहीं होगा, 1878 होगा, क्योंकि इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, 1881 ईस्वी में उन्होंने इसे हटा दिया था। दोस्तों तो जो लॉर्ड लिटन थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे 1878 ईस्वी में लेके आए थे। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झरिया की खान का संबंध किस खनिज से है? दोस्तों कई बुकों में ये क्वेश्चन मिल जाता है, कई बुकों में जैसे लूसेंट में ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो लूसेंट में नहीं होते हैं या थोड़ा सा क्रॉस पूछे जाते हैं। झरिया की खान एक बहुत ही फेमस खान है, ये धनबाद में है झारखंड में और कोयला इसके के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो ये डैम है यह किस राज्य में है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो दोस्तों यह जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, और नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ मानसरोवर राकसताल से सतलज नदी निकलती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, 29वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक, इसको देख लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान वाले में से क्वेश्चन बन सकता है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड हॉल की स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31, रेणुकूट उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रेणुकूट में हिडाल्को है और ये आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, जेलेप्ला दर्रा किस नदी के समीप स्थित है? देखिए दोस्तों जेलेप्ला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, और सिक्किम में न तो सिंधु नदी बहती है, न गंगा नदी, न सतलज नदी, तो सही आंसर क्या होगा? तिस्ता नदी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपके बुक से ही हूबहू पूछा जाए। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात एक सुंदर जलप्रपात है जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में माना जाता है, इसको वहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग गलती कर दोगे, जाम्बिया नदी आंसर नहीं होगा, कई लोगों ने जाम्बिया नदी बोला, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा 34वां क्वेश्चन, कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की दिशा में परिभ्रमण करते हैं? दोस्तों शुक्र और अरुण को छोड़कर के सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, 34 का बी सही आंसर है। 35वां है, देखिए दोस्तों समय की कमी है और कई सारे एग्जाम अभी और लेने हैं, संडे को छात्रों का एग्जाम है कई सारे छात्रों का, तो देखिए मैं फटाफट में इसको बोल रहा हूँ, बस आप लोगों को ये वीडियो देने का उद्देश्य एक ही है कि अपनी तैयारियों को परखें और आपके कितने मार्क्स आते हैं, अगर बताने का कष्ट करेंगे तो बड़ा एहसान रहेगा या धन्यवाद रहेगा आप लोगों का, ठीक है। और वैसे अगर इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका स्वागत करूँगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है 36वां क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धारवाड़ लैंड, गोंडवाना लैंड, आर्कियन लैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में जो चट्टाने हैं वो तो जो सबसे ज़्यादा समृद्धशाली चट्टाने हैं वो तो धारवाड़ लैंड हैं, लेकिन गोंडवाना लैंड का ये एक हिस्सा है, तो इसका आंसर बी सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नामफुक कोयला क्षेत्र का है, नामचिक नामफुक एक दर्रा भी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। उसके बाद तो बी ऑप्शन सही था। 38वां क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद किस तिथि को एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा छपने में मिसप्रिंट हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हमने बाद में ये एडिट कर भी दिया था। आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन ऐसा था कि भारत की स्वतंत्रता से पहले कब एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बी सही है, 2 सितंबर 1946। ओके,
हमने छात्रों को इसमें बोनस अंक दे दिया था सभी को। उसके बाद 39वां क्वेश्चन जो था, कौन सा मूल अधिकार निम्नलिखित में से केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, ये पांच अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को, यानी जो मूल अधिकारों में नागरिकों को, जैसे कोई विदेशी यहाँ आया है तो उसको अनुच्छेद 14 दिया जाएगा, अनुच्छेद 17 भी दिया जाएगा, 18 भी दिया जाएगा, लेकिन उसको 19 बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपको पता है 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। अभी विस्तारपूर्वक यहाँ पर अभी समय की कमी है, जैसे आप उसको याद कर सकते हैं, भाई घूमने की सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और जीवन यापन करने की या फिर बिजनेस करने की स्वतंत्रता, वो उनको नहीं दी जाती है। तो 19 जो है वो सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ लिया गया है। 40वां क्वेश्चन है, किस मूल अधिकार में दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त होता है, किस मूल अधिकार में दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो बच्चे इसमें अनुच्छेद 20 और 22 में घूम जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 20 है इसमें वर्णन है कि अगर किसी पर अपराध सिद्ध हो गया है तो उसको एक प्रकार के अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, तो अनुच्छेद 20 सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसे दी गई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जिसको बोलते हैं उसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जब तक यहाँ से सिग्नेचर नहीं होते हैं, कोई भी विकास का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। श्री सेलम बाघ रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों नागार्जुन सागर जो है इसी का नाम है, श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो दोस्तों अनुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है जैन धर्म में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के विभाजन के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर दो थे, तो श्वेतांबर जो था वो स्थूलभद्र ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, दो भागों में ये पेपर करना पड़ेगा। अच्छा 45वां क्वेश्चन है, अकबर के नौ रत्नों में से कौन दो सगे भाई थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अबुल फजल और फैजी ये दोनों सगे भाई थे। फैजी उनका दरबारी कवि था और अबुल फजल ने उनकी आत्मकथा लिखी थी, दोनों महान विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 46वां, डोवर जलसंधि स्थित है। डोवर जलसंधि दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, कभी बेरिंग जलसंधि, कभी डोवर जलसंधि, कभी आ जाता है मलक्का जलसंधि। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन सही है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में, ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन एक ठंडी जलधारा है। तो 47 का सी आंसर है लैब्राडोर। उसके बाद है, व्यापारिक पवने किस अक्षांश पर चलती हैं। तो इसका ए सही आंसर है दोस्तों, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। इस पर क्वेश्चन BPDO में भी पूछा गया था, जहां पर ये पूछा गया था कि अश्व रेखांश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वो तो अलग आंसर था, वो 30 से 35 डिग्री था। ठीक है चलिए अगला जो क्वेश्चन था ये है, दस्त ए लूट नामक रेगिस्तान कहाँ है। दोस्तों पूर्वी ईरान में है ये। और 50वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी बाड़ालच्चा दर्रे से निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर है चिनाब नदी। और दोस्तों ये पेपर आपको कैसा लगा, 50 से आगे के प्रश्न मैं आपको फिर दूंगा, आप कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा। और मैं आपको बता दूं, पूरा ये पेपर देखिए, पूरे 100 क्वेश्चन इसमें हैं और 100 क्वेश्चन है। बाकी आप जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, वो ये मेरा नंबर देख रहे हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लेकिन जब आपको ठीक लगे। इसके लिए मेरी तरफ से कोई भी दबाव नहीं है, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तब आगे भी सीरीज जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, और अपनी तैयारी में जुटे रहें। जिन लोगों का भी संडे को पेपर है वो लोगों के लिए बहुत बहुत